आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए सुरेश कौशिक की लिखी झलकी सिलसिला बहानों का। निर्देशन सुशील बनर्जी का है। हे भगवान, 7:30 बज गए, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। लड़के ने आंखें सुजाली रोते रोते, रोए नहीं तो क्या करेगा भागा, कैसे स्कूल जा पाएगा कल वो बेचारा बिना जूते। और ये श्रीमान सिकंदर खुसट विलंबित जी उर्फ हमारे लेट लतीफ पतिदेव अभी तक नहीं लौटे। सिकंदर भाई, सिकंदर भाई। कौन कौन है? अरे भट भैया, आप ना? सिकंदर भाभी, सिकंदर भाई घर में ही होंगे ना? क्या हाल है अब नरेश बेटे का? अरे कैसे गिरी इमाम दस्ते की इतनी भारी मूसली पांव पर? इमाम दस्ते की मूसली? हाय हाय, चुप चुप बोलो भट भैया, नरेश तो अभी अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। अच्छा भला, ट्यूशन पढ़ने? तू नरेश बेटे को कोई चोट या फ्रैक्चर नहीं हुआ? नहीं तो? और सिकंदर भाई कहाँ है? वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी, अभी तक नहीं लौटी है दफ्तर से। दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे, छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पाँव पर इमाम दस्ते की। फिर वही इमाम दस्ते की मूसली? अरे भैया, हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं है, वो मरी मिक्सी है। मिक्सी? इमाम दस्ता? पर भट भैया, बात क्या है, कुछ बताओ तो भट भैया। अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर जब फिर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल। चप्पल? जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए। शुक्र है सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना हो अभी तक। फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए हैं, मर गए, मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है। भी सर, तो आज भी आप पूरे 1 घंटे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खुसट विलंबित। सर वो देखा मिस्टर भट्ट, विलंबित जो ठहरे सुपरिटेंडेंट साहब। तो श्रीमान विलंबित जी, जी अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है? जी सुपरिटेंडेंट साहब, वो बात ये है। बोलो बोलो, मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाना। जी जी, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुपरिटेंडेंट साहब। अरे मगर क्यों, अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट तो किया नहीं। जी वो मैं समझा नहीं सर। मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना बाकायदगी के साथ अमल करते आ रहे हैं। कैसा कैसा सिलसिला? अरे भाई, बहानों का सिलसिला विलंबित जी। कल आप लेट इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई। जी हाँ, जी हाँ। और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे। जी हाँ। क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके। जी हाँ, जी हाँ, ये तो मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था सर। परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया, अपने ससुर जी की पहली बरसी। मिस्टर भट्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। मगर सिकंदर भाई, अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई, तुम्हारे तो शायद 2-2 साले हैं। मगर हाँ, वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं, वहाँ शराब खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा? ओ आई सी। जी सुपरिटेंडेंट साहब, ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था? जी हाँ सुपरिटेंडेंट साहब, आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है। जैसे पिता का श्राद्ध, वैसे ही ससुर का, पत्नी का पिता अपना पिता। आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट, देख लिया सुपरिंटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का। क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरेगा कब? छी छी छी, इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर। एक तो आप लेट आए। तो इन लोगों को क्यों दर्द होता है सर, क्रॉस लगाए मेरे नाम के आगे, डांटने का हर सारा आपको है, सेक्शन इंचार्ज को है, ये क्यों टकराते हैं मेरे लेट आने पर? दे शुड सी देयर ओन वर्क, अपना काम देखें। हमें अपने काम के अलावा आपका काम भी देखना पड़ता है मिस्टर सिकंदर, जब आप सीट पर नहीं होते। तो ऐसी कौन सी आफत आ रही है, सरकारी काम है, होते होते होता रहेगा। टॉक सेंस मिस्टर सिकंदर, सरकारी काम का मतलब है पब्लिक वर्क, यानी जनता का, आप लोगों का काम। मगर सर, मगर क्या, ऐसे अर्जेंट मामलों के भी लटके रहने या लेट हो जाने के कारण ये नहीं है
कि हम लोग वक्त जरूरत अपने काम पर नहीं होते, घंटों अपनी सीटों से गायब रहते हैं या फिर आपकी तरह हमेशा लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। क्या सरकारी काम के प्रति तुम्हारे मन में कोई कर्तव्य भावना नहीं है? चलिए चीफ के पास। नहीं सुपरिटेंडेंट साहब, कर्तव्य की भावना नहीं होती तो क्या इतनी भयंकर स्थिति में मैं ऑफिस आता? क्यों, आज क्या हुआ बोलो। वो सर, मेरे छोटे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया सर। What? अरे ये कैसे हो गया सिकंदर भाई? सीधा अस्पताल से भागता चला आ रहा हूँ मिस्टर भट्ट, रास्ते में चप्पल भी टूट गई। और तुम्हारा लड़का क्या प्लास्टर चढ़ा? हाँ सर, प्लास्टर चढ़ने के बाद उसे उसकी माँ टैक्सी में डालकर घर ले गई और मैं इधर ऑफिस को भागा। मुझे पता था सर कि अर्जेंट पेपर डील करने हैं। ओह आई एम सॉरी मिस्टर सिकंदर। इट्स ऑल राइट सर। मगर भाई फ्रैक्चर हुआ कैसे? वो इमाम दस्ते की मूसली गिरा दी मेरी लड़की ने उसके पैर पर। ओह माय गॉड, अब कैसा है तुम्हारा लड़का? क्या मालूम कैसा है सर, मैंने तो रोते रोते छोड़कर उसे दफ्तर की ओर लपका था, अब तो घर शाम को पहुंच कर ही देखूंगा। अरे अरे बेचारा मासूम बच्चा। अरे भाई तुम चाहो तो साहब से कहकर बेशक जल्दी घर चले जाना सिकंदर। क्यों सुपरिटेंडेंट साहब? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मगर मिस्टर सिकंदर की सीट पर कई अर्जेंट पेपर है। वो मैं देख लूंगा सर, आप इसे जल्दी जाने दीजिए, हाजिरी तो इसने लगाई दी है सर। अच्छा मिस्टर सिकंदर जी, अभी तो चीफ का राउंड होने वाला है, एक दो घंटे बाद चले जाना। थैंक यू सर, मैं 3 बजे चला जाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाय राम, 3 बजे के चले अब तक घर नहीं पहुंचे, और भैया 7 बजे दुकानें बंद होती है। नरेश कल से स्कूल के सफेद जूतों के लिए रो रहा है। आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूँ, हद होती है बहानेबाजी की भी। मैं तो बच्चे की खैर खबर लेने आया था और उन्हें खुद अपने घर की खबर नहीं। तो सिकंदर भाई वाकई पक्के बहानेबाज बन चुके हैं। पक्के से पक्के कहो बट भैया, कई बार तो हमारा भी दिल दहल जाता है उनकी झूठी बातों को सच समझ कर। उधर दफ्तर वाले हम औरतों को ही दोषी मानते होंगे अपने पतियों के लेट कराने के लिए। अरे भैया तुम उनके साथ ही हो, किसी तरह खत्म कराओ ना उनकी बहानेबाजी की आदत, हम तो भट्ट भैया बहुत परेशान हो चुके हैं। और उधर दफ्तर के लोग भी भाभी जी, उनका रोज रोज का लेट आना, नित नए बहानों का सिलसिला, वो भी ऐसा तगड़ा कि बस क्या कहें। मगर झूठ तो झूठ ही होता है भट्ट भैया। मगर उस झूठ को झूठ साबित करने के लिए क्या दफ्तर के अफसर रोज रोज घरों में जाकर जांच पड़ताल करें, बीवी बच्चों से सच्चाई उगलवाएं? घर वालों का भी कोई फर्ज होता है। नहीं नहीं भैया, यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई, बुरा तो मानेंगे मगर राह रास्ते पर तो आ जाएंगे। नजर लागी है पानी घटवा ना जाए, अरे नजर लागी है पानी घटवा ना जाए, घटवा ना जाए। हाय राम, अभी तक गुसलखाने के फुहारे के नीचे भरतनाट्यम कर रहे हैं। अजी सुनते हो? मैं क्या है ना रहा हूँ। अरे इस फुहारे की भागीदारी को अपने सिर पर धारण करके तुम्हारा गटवा गीला नहीं हुआ? मैंने कहा निकल आओ, 10:30 बज चुके हैं। दफ्तर नहीं जाना आज क्या? अरे छुट्टी लेनी है आज की। अरे क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उस दिन की छुट्टी लूँ जिस दिन खुद अफसर छुट्टी पर हो। अजी वाह, बड़े कर्तव्य परायण हो गए हो, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे। बिल्कुल। मगर जब इतनी वफादारी की भावना जाग उठी है तो फिर लेट भी क्यों जाते हो? सुनो जी, कब तक उल्टे सीधे बहाने बनाते जाओगे, फंसोगे किसी दिन बुरी तरह। श्रीमान सिकंदर खूसट विलंबित जी। अरे जा जा, बरसों बीत गए नौकरी करते करते, पूरी मौज मस्ती से है। अरे ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अफसर नाराज होने की बजाय सक पका कर हमदर्दी जगाने लगता है, और जितने लेट पहुंचे उतनी जल्दी छुट्टी पर जाने की कह देता है। हाय राम, कैसे ढीठ होते हैं ये लेट लतीफ। और फिर आज तो हम खुद ही अपने अफसर होंगे। अरे पहुंच जाएंगे टहलते टहलते और लौट आएंगे जब तुमसे मिलने को दिल बेताब होगा। चलो हटो भी, चलकर नाश्ता कर लो और दफ्तर पहुंचो वक्त से। हम औरतों को बदनाम मत करो। हाँ। अरे वाह, दफ्तर लेट पहुंचे हम और डरो तुम लोग। चलो बेटा सिकंदर भाई, पत्नी का दर्द। ओके बाय।
ये सर, मैं सुपरिंटेंडेंट बोल रहा हूँ। अरे सुपरिंटेंडेंट साहब, तो वो बैठे भीतर कमरे में। यस सर, मैं तो आपका मैसेज मिलते ही दफ्तर पहुंच गया था सर, मगर मैं क्या करूं सर, वो उस अर्जेंट केस की फाइल शायद मिस्टर सिकंदर की मेज की ड्रॉअर में लॉक्ड है सर। जी हाँ, मिस्टर सिकंदर अभी तक नहीं आए सर। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी, मैं कोशिश करता हूँ सर। अरे बाप रे, यहाँ तो नज़ारा ही दूसरा है। फंसे बेटा सिकंदर, आज तो साहब मेरा ही अर्जेंट केस बना देंगे। अरे अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊँ लेटाने का। हाँ, चुपचाप यहाँ से दबे पाँव घर लौट जाऊँ और बीमारी की छुट्टी मार दूँ। अरे नहीं, वो फाइल तो मेरी ड्रॉअर में बंद है। ये चाबी लेने मेरे घर पहुंचे तो इस अर्जेंट केस के लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं इस इमरजेंसी की घड़ी में। अरे वो मारा, ये कुछ हुई ना नई बात है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। ओ यू विलंबित के बच्चे। यस सर। आज तुमने मेरी सारी इज्जत मट्टी में मिलवा दी। नो सर। मेरी इतने वर्षों की नौकरी को कलंकित कर दिया। नो सर। मैं तुम्हें डिसमिस करा कर छोड़ूंगा। नो सर, नो सर। यस डिसमिस, नॉट लेस देन दैट। मगर कुछ मेरी भी तो सुनिए सुपरिटेंडेंट साहब। क्या सुनिए तुम्हारी? मेरे साथ भी तो कोई इमरजेंसी हो सकती है। व्हाट इमरजेंसी? क्या हुआ, कौन मर गया, कौन अस्पताल चला गया, बोलो। सर मेरी पत्नी सर। क्या? मेरी बीवी। ये क्या कह रहे हो सिकंदर भाई, कल शाम तक तो भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा। अरे भाई एकदम क्या हो गया? एकदम से वो उल्टियां सर, उल्टियां सर, उल्टियों पर उल्टियां सर, दम घुटने लगा, फिर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां सर, मैं घबरा गया, टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। मगर जब तक सर, तब तक क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई सर। हाँ बोलो। उल्टियां बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर सर के वो हाँ बोल भाई बोल वो पाँव भारी है। पाँव भारी है, यानी कि नए बच्चे की माँ बनने वाली है। आपको कोई तकलीफ है? आई से शट अप। जी यू लायर, झूठे बहाने बाद मक्का। सुपरिंटेंडेंट साहब, आप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये ऑफिस है सर। अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कारों। वाह क्या बहाना बनाया है, बीवी का पांव भारी है। आई से इट इज इम्पॉसिबल। माफ कीजिए सर, मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं। यस सर, सच्चाई तो कुछ महीने बाद सामने आ ही जाएगी सर। सच्चाई? यस सर। अरे ऐसे झूठे बहाने बाजों के कारण तो सच्चे लोगों पर से भी विश्वास खत्म हो गया। सच्चाई जानना चाहते हो? यस सर। तो ये देखो, ये रही सच्चाई। ये कैसा कागज है सर? तुम ही पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर। यस सर। अरे सर ये तो मेरे स्पेशल इंक्रीमेंट का ऑर्डर है सर। ऑर्डर नहीं, अभी ड्राफ्ट है, खुद मैंने तैयार किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। स्पेशल इंक्रीमेंट का? यस सर। कौन हकदार होता है स्पेशल इंक्रीमेंट का? जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई और खुशहाली का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठाते हैं। मिस्टर सिकंदर इतने समझदार कब से हो गए सर? ये भी जानना चाहते हैं? ये रहा दूसरा कागज, बताओ सिकंदर क्या है ये कागज, बोलो। ये तो मेरा फैमिली प्लानिंग, यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट। छी छी सिकंदर, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घिनौने झूठ तक पहुंच सकता है? बस सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए। आई विल सी दैट यू आर डिसमिस्ड। आई विल नॉट मर जाऊंगा सरकार, मैं मर जाऊंगा सरकार। मैं अगर नौकरी छूट गई साहब कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा गले में बंदा था, ये बंदा उल्टा मेरे गले में। सिलसिला बहानों का, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक थे सुरेश कौशिक, निर्देशक सुशील बैनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी दिल्ली की।